एक भी मालगाड़ी चूकी तो एमपी में ब्लैकआउट, कोयले की कमी से बिजली कटौती। सुनिए 5 साल की बच्ची ने सीएम से क्या कहा। लाइट वाले बहुत लाइट काटते हैं, दिन में भी लाइट काटते हैं, रात में भी लाइट काटते हैं। रात में काटते क्यों, मेरे को बहुत मच्छर काटते हैं, आंखें लाल हो जाती है। मुझे इन लाइट वालों का मच्छरों पे दया नहीं आती है जरा कभी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के 4 बिजली घरों में से 3 में कोयले का संकट खड़ा हो गया है। यहां प्रतिदिन 80,000 टन कोयले की जरूरत है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। रेलवे से एक दिन भी सप्लाई बाधित होगी तो प्रदेश में अंधेरा छा जाएगा। मौजूदा समय में बिजली की डिमांड 12,000 मेगावाट से ऊपर बनी हुई है, सप्लाई 11,000 मेगावाट ही कर पा रहे हैं। बिजली कटौती कर इस गैप को कवर किया जा रहा है। वहीं एक मासूम ने सीएम से गुहार लगाई कि मेरा नाम आस्था अवस्थी है, मामा जी लाइट वाले बहुत लाइट काटते हैं, दिन में भी लाइट काटते हैं, रात में भी लाइट काटते हैं, रात में क्यों लाइट काटते हैं, मुझे बहुत मच्छर काटते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल लाल। मामा जी इन लाइट वालों को हम बच्चों पर जरा सी भी दया नहीं आती। मामा जी इस गर्मी में हम बच्चे कब तक ऐसे रहेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गर्मी में कब तक रहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइट जाने की वजह से दिमाग खराब हो गया है, मुझे बहुत परेशानी होती है, मच्छर काटते हैं, छत पर रात को सोई तो मच्छरों ने बहुत काटा। ये पीड़ा है छतरपुर की 5 साल की मासूम आस्था अवस्थी की। बिजली के टैरिफ निर्धारण में उपभोक्ताओं से 30 दिन के कोयला स्टॉक का पैसा लिया जाता है, मतलब बिजली घरों में उनकी क्षमता के अनुरूप 30 दिन का कोयला रखेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानक के अनुसार पिटहेट प्लांट और कोयला खदान की दूरी 25 किलोमीटर से कम पर 17 दिन का स्टॉक और नॉन पिटहेट प्लांट और कोयला खदान की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक होने पर 26 दिन का कोयला स्टॉक रखना चाहिए। अमरकंटक को छोड़कर सभी बिजली घरों में 26 दिन का न्यूनतम कोयला स्टॉक होना चाहिए। प्रदेश के बिजली घरों को WCL यानी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और SACL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से कोल ब्लॉक आवंटित है। सारणी बिजली घर को WCL का पाथाखेड़ा, कन्हान, पेंच, नागपुर, चंद्रपुर व वानी से रेल सड़क व कन्वेयर बेल्ट से कोयले की सप्लाई होती है। अमरकंटक के बिजली घर को SACL के सोहागपुर कोल ब्लॉक से रेल के जरिए कोयला मिलता है। संजय गांधी बिरसिंहपुर बिजली घर को SACL के कोरिया, रीवा व कोरबा कोल ब्लॉक से रेल के जरिए कोयला मिलता है। वहीं सबसे बड़े प्लांट श्री सिंगा जी की SACL के विभिन्न ब्लॉक से कोयले की सप्लाई ट्रेन के माध्यम से होती है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को प्लांटों की जरूरत के अनुसार कोयले का इंतजाम करना चाहिए। जब बिजली की डिमांड बढ़ गई तो वे अपनी नाकामी का ठेकरा रेलवे के सिर पर फोड़ रहे हैं। कंपनी ने कोयले की कमी का कारण बताया है कि रेलवे कोयला ढुलाई के लिए रैक नहीं उपलब्ध कर पा रहा है, इसकी वजह से उसके प्लांटों में कोयले की भारी कमी है। रेलवे ने कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए देश भर में 750 मेल एक्सप्रेस और अन्य यात्री ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रदेश को 9,200 मेगावाट बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से और 1,800 मेगावाट जल सोलर और विंड सहित अन्य तरीके से उत्पादित बिजली मिल पा रही है। इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत आने वाले जल विद्युत ग्रहों से 225 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। 3600 मेगावाट के लगभग प्रदेश के कोयला आधारित प्लांटों से बिजली मिल पा रही है। वहीं 1300 के लगभग पवन, सोलर आदि माध्यम से बिजली मिल रही है। शेष 5500 से 6000 मेगावाट के लगभग बिजली NTPC से मिल रही है। NTPC के प्लांट भी कोयला आधारित बिजली बनाते हैं। प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई से 1 से 1,500 मेगावाट का गैप आ रहा है। इसकी भरपाई कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे की अघोषित कटौती करके की जा रही है। कृषि फीडर में एक तरह से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। ग्रामीणों को भी पीक आवर्स में दोपहर और शाम को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। सरप्लस मध्य प्रदेश में ये संकट अधिकारियों के नकारेपन से खड़ा हुआ है। 22,000 मेगावाट की क्षमता का ढिंढोरा पीटने वाले मध्य प्रदेश में 12,000 मेगावाट की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों ने NTPC से मिलने वाली MP के हिस्से की खरगोन की 330 मेगावाट, सोलापुर की 295 मेगावाट और मोदा महाराष्ट्र की 375 मेगावाट बिजली सरेंडर कर परेशानी आमंत्रित की। वहीं सारणी की यूनिट क्रमांक 6, 7, 8, 9 को सरकार की बिना अनुमति बंद कर दिया गया।
चारों यूनिटों को स्क्रैप घोषित कर दिया गया। इसमें 830 मेगावाट की सप्लाई कम हो गई, जबकि वर्ष 1980 से 84 के बीच बनी इन यूनिटों के साथ ही चालू हुए NTPC और छत्तीसगढ़ के प्लांट से बिजली बन रही है। प्रदेश में 3438 मेगावाट सोलर एनर्जी से टारगेट है, जबकि उत्पादन 1500 मेगावाट के लगभग हो पाता है। इसी तरह विंड समेत बायोगैस से 2542 मेगावाट क्षमता की बजाय वास्तविकता में 2375 मेगावाट ही बिजली बन पाती है। इसी तरह 715 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता में वास्तविक तौर पर 225 मेगावाट ही बिजली बन पाती है। टोंच बाण सागर की 210 मेगावाट की दो यूनिट, बाण सागर देवलोन की 60 मेगावाट, मड़ीखेड़ा की 60 मेगावाट, राजघाट की 45 मेगावाट की यूनिट बंद पड़ी है। प्रदेश के पावर प्लांटों के लिए जरूरी कोयले की उपलब्धता में दो परेशानी आ रही है। एक तो कोल प्रोडक्शन कम हुआ है, दूसरी ओर रेलवे कोयला परिवहन के लिए जरूरी रैक नहीं उपलब्ध करा पा रहा है और 7.5 लाख टन कोयला इंपोर्ट का टेंडर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।